हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम सीखेंगे इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करना यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ओके, कि किस तरह से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कंसेप्ट लगाकर किसी गिवन इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप कॉपी पेन निकाले और लिखना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, प्रूव दैट x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सही है बच्चों, लेस देन टेन इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, ओके, यूजिंग मोनोटोनिसिटी। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, जब भी आपको एफ एक्स लेस देन जी एक्स, ओके, या एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, जब भी आपको इस प्रकार की इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे, आप उस तरफ जो फंक्शन पढ़ा है उसे उठा के इस तरफ लेकर आएंगे, सही है। उसके बाद आप एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसके बाद आप इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, है ना, कि कहां पर ये इंक्रीजिंग है और कहां पर ये डिक्रीजिंग है, सही है। तो देखो मैंने क्या किया, कंसिडर, अच्छा बच्चों पहले मैं इतना पार्ट प्रूव करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इतना पार्ट प्रूव करता हूँ, फिर बाकी का हाफ उसके बाद, ओके। तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस टेन इनवर्स एक्स, मैंने इस फंक्शन को बच्चों एक नाम दिया, है ना, क्या नाम है इसका, एफ एक्स। तो अब मैं इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करूंगा, है ना, बाय टेकिंग इट्स डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सही है। और बच्चों अगर आप इसका एलसीएम करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जो मेरा डेरिवेटिव होगा, है ना, वो क्या बन गया भाई, ये बन गया माइनस एक्स की पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, विच इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके बच्चों, अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्स की पावर 4 पॉजिटिव होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यानी ये पूरा एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, मतलब क्या होगा कि बड़े पॉइंट पर छोटा वैल्यू आएगा और छोटे पॉइंट पर वैल्यू बड़ा आएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, दिस इंप्लाइज दैट 4, ओके, 4 एक्स ग्रेटर देन 0, बच्चों अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन 0 की, तो क्या होगा भाई, f ऑफ x ये छोटा आएगा इससे, f ऑफ 0 से, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अब आप ये देखें कि आपका एफ एक्स क्या था, आपका एफ एक्स क्या था बच्चों, आपका एफ एक्स ये था, है ना, इसे आप लिख दें, ओके, स्टेटमेंट नंबर 1। अब आप यहां पर एफ ऑफ 0, है ना, निकाल सकते हैं, आप एक्स को 0 पुट करिए, तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा, है ना, एफ ऑफ 0 क्या बनेगा बच्चों, 0 एक्स माइनस, ओके, एक्स क्यूब बाई 3, ये मेरा था बच्चों एफ एक्स, है ना, 4 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, तो इसके बाद बच्चों क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लेस देन टेन इनवर्स एक्स, 4 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, सही है बच्चों। तो मेरा हाफ पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब इसके आगे का है ना, तो इस बार कंसीडर, आप इसको स्क्रॉल करें, ओके, थोड़ा रिवाइंड करें वीडियो को, और देखें कि सेकेंड हाफ कौन सा था, कंसीडर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6, है ना। आपको मैं दोबारा दिखाई देता हूँ, एक बार आप दोबारा देख लें, 1 को, स्टेटमेंट 1 को आप दोबारा देख लें, है ना, एक मिनट, सॉरी 1 को नहीं, इसको स्टार्टिंग वाले को। अब मैं ये बाकी हाफ प्रूफ करूंगा, है ना, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को उठा के इस तरफ लेकर आया, सही है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। और ऐसा करने से जो मेरे पास फंक्शन बना है ना बच्चों, मैंने उसे क्या नाम दिया, जी एक्स का, है ना। अब मैं जी एक्स के लिए चेक करूंगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कैसे चेक होगा भाई, हमेशा डेरिवेटिव करने के बाद, सही है, तो प्लस 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे, सॉरी एलसीएम कर देंगे ना, 1 2 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं नीचे से 2 भी आया तो आया, हाँ नीचे से 2 भी आया, एक मिनट,
हाँ यहाँ पर जो टू आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर दो से दो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर। ओके बस आप कैलकुलेशन थोड़े आराम से करें, सही है? तो आप बच्चों ठीक है, डेरिवेटिव ठीक रखना, कैलकुलेशन आप अपनी बिल्कुल सही रखना। ओके तो आप देख लें क्या आएगा बच्चों, ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, सही है? अगर बच्चों मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है ना, और वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में टू। ओके अब आप ये देखें, अगर आप इससे बराबर रखेंगे जीरो के, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, माइनस वन ओके और जीरो और वन है ना, तो कैसे करते हैं वे भी करो मेथड, प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, ऐसे करते हैं। आई होप कि आपको ध्यान होगा वे भी करो मेथड। जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाकर इस लेक्चर को आप आराम से देख लें। ओके बच्चों अच्छा, क्योंकि जीरो पर क्या है, इवन पावर है ना, तो उसके राइट में जो साइन होगा वही हम उसे वही साइन हम लेफ्ट में कैरी करेंगे। तो अगर आप ये देखें बच्चों, जीरो से लेकर वन तक है ना, एक मिनट, ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद बन गया जी डैश एक्स है ना, जी डैश एक्स लेस देन जीरो फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। आप ध्यान से देखें बच्चों, जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में क्या है, ये नेगेटिव है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों कैसा फंक्शन बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है, अगर x मेरा, अगर मेरा x जीरो और वन के बीच में है ना, तो फिर g ऑफ x का जो वैल्यू आएगा, देखो ये देखो आप, x क्या है जीरो से बड़ा है ना, x क्या है जीरो से बड़ा है, इंप्लाइज ओके g ऑफ x क्या होगा, लेस देन g ऑफ जीरो होगा बच्चों। ओके क्योंकि आपने क्या प्रूव किया कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके तो एक बार आप देख लें आपका जी एक्स था क्या, और मोरोवर आपका जी ऑफ जीरो क्या है, तो अगर यहां से आप जी ऑफ जीरो निकालते हैं ना, क्या बन जाएगा बच्चों, ये सारा जीरो बन जाएगा, और जी एक्स क्या है मेरा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स लेस देन जीरो, सही है? फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, सही। दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स एक्स लेस देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स। ओके अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है बच्चों, इसको इसको और उसको कंबाइन कर दें। ओके बाय कंबाइनिंग अबव इनइक्वालिटीज, बाय कंबाइनिंग अबव इनइक्वालिटीज, ओके वी हैव एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लेस देन टेन इनवर्स एक्स, ओके लेस देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, ओके हैंस प्रूव फोर एक्स बिलोंग टू जीरो टू वन। ओके बच्चों तो इस प्रकार से आप इनइक्वालिटीज को प्रूव करेंगे है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, वो एक क्वेश्चन और देख लें, लिख लें आप, प्रूव दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके बच्चों एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू। जिनको समझ में नहीं आया तो भाई वो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि हर क्वेश्चन का सेम ही प्रोसेस है। पहले मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को इधर लेकर आऊँगा है ना, तो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय सिक्स, आपने कंसीडर कर लिया एक नया फंक्शन, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ओके बच्चों तो अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन है ना को मतलब चेक करेंगे कैसे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो भाई उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू है ना, थ्री आगे आएगा तो भाई तीन से छः कट जाएगा, तो ये आ गया बच्चों ठीक है। और अब आप इसके बाद, अच्छा बच्चों देखो
अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा है ना, ये डाउट है आपको, मान लो आपको डाउट है यहाँ पर कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, ओके, तो भी उस कन्फ्यूजन के लिए है ना, उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एक डेरिवेटिव और कर दें। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, और इसका क्या बन गया, दो आ गया, आएगा एक्स बन गया, है ना, ये बन गया बच्चों एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। और भाई देखो बेसिक ग्राफ आप याद कर सकते हैं, ये कौन सा लाइन है बच्चों, वाई इज इक्वल टू एक्स, सही, ये कौन सा ग्राफ है बच्चों, साइन एक्स का, ठीक है, ऐसे चलता है एक्चुअली में ग्राफ, ओके, तो पाई बाय टू यहां पर आएगा। तो आप ये देखें, जीरो से पाई बाय टू के बीच में फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, ग्राफ बच्चों कौन सा ऊपर है, एक्स का ग्राफ ज्यादा ऊपर है साइन एक्स से, है ना, यानी कि एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, सही है। तो आप क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, दिस इंप्लाइज दैट जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो वो फंक्शन कैसा होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन एफ डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है बच्चों एफ डैश एक्स का इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है बच्चों, और ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। तो आप बच्चों ये देखें, अपना जो एफ डैश था है ना, तो वो क्या होगा, इफ एक्स बड़ा है जीरो से, है ना, तो एक्स कहां से ग्रहण करेगा बच्चों, जीरो से पाई बाय टू के बीच में, ठीक है, अगर एक्स बड़ा है जीरो से तो ये फंक्शन मेरा जो है ना बच्चों, जो एफ डैश है वो कैसा है, अभी एफ के बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं बात कर रहा हूं एफ डैश एक्स की, मुझे क्या पता लगा एफ डैश एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश जीरो, सही है। तो बच्चों ऊपर से आप क्या करेंगे, यहां से आप पहले आप एफ डैश जीरो निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लें आप एफ डैश जीरो, कितना मिलेगा आपको, कोस जीरो वन माइनस वन प्लस जीरो, है ना बच्चों, मेरा एफ डैश जीरो क्या आ गया, मेरा जीरो, सही है, तो ये मेरा क्या आ गया, जीरो, ओके। और मेरा एफ डैश एक्स था क्या, कोस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, सही है, ओके बच्चों। तो अब आपको पता लग गया, ठीक है, कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है बच्चों, जीरो से बड़ा है ना, तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है बच्चों, जीरो से बड़ा है। तो अभी आप क्या कह सकते हैं, है ना, तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और यहां से क्या पता लगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके बच्चों, देखो कितना डीप कंसेप्ट लगाना पड़ा इसमें, कि डबल डेरिवेटिव तक की बात कर ली हमने, है ना, कि उसका बिहेवियर कैसा है, ओके, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ठीक है, एफ डैश उसे क्या पता लगेगा, एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, अगर एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है तो क्या पता लगा कि एफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा ना, फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, है ना बच्चों। अब मेरा एफ ऑफ जीरो, ओके, आपने एफ एक्स क्या डिफाइन किया था, एक बार मैं आपको याद करवा देता हूं, आपने डिफाइन किया बच्चों, ये आपने डिफाइन किया था भाई साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय सिक्स, है ना, तो आपका एफ एक्स यानी कि साइन एक्स माइनस एक्स प्लस, अब जहां जहां एक्स आप जीरो पुट करें, है ना, ताकि आपको एफ ऑफ जीरो मिल सके, आप करें बच्चों, ये क्या आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, सही है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स फोर एक्स बिलोंग टू जीरो से पाई बाय टू, है ना, हैंस प्रूव, ओके। तो भाई जहां आपको समझने में दिक्कत हो आप दोबारा, ठीक है, वीडियो को पहले पॉज करें, फिर रिवाइंड करें और दोबारा उसे प्ले करें, ओके। अच्छा बच्चों ठीक है, चलो ऐसे ही, ओके, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों ऐसा, ठीक है, एक काम करें आप इसे खुद ट्राई करें, सो दैट एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लेस देन साइन एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, ओके बच्चों, ये आप खुद ट्राई करें, मैं लिख देता हूँ,
ट्राई योर सेल्फ। ओके, तो बच्चों आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, तो कई कई बार क्या होता है बच्चों, ठीक है, बात आपकी डबल डायरेक्टिव के ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो जल्दी आप लिखिए प्रूव दैट एक्स क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। सही है, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को उठाकर इधर लेकर आएंगे, है ना, और इसे एक नया फंक्शन नाम देंगे एफ एक्स कंसीडर। सही है, स्टेटमेंट नंबर वन। अब आप इस फंक्शन को चेक करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो भाई आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है ना, और डेरिवेटिव आप बड़े अच्छे से कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन से बन गया, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया, है ना। तो आप क्या बताएंगे, ये कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो टू इनफाइनाइट। सही बच्चों, देखो अगर आप जीरो या उससे बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई वन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये भी आपको जीरो या जीरो से बड़ा ही मिलेगा। ओके बच्चों, सही बात है बच्चों। चलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो अगर एक्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स पक्की बात है ये बड़ा होगा। ओके, अच्छा यहाँ से मुझे क्या पता लगा, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, लिख लें, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो है जीरो से बड़ा आ रहा है, तो अगर डेरिवेटिव जीरो जीरो से बड़ा आएगा तो बच्चों मुझे क्या पता लग पाएगा, मुझे पता लग पाएगा कि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, है ना। और अगर मेरा एक्स, देखो एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ओके, क्लोज इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट। ओके, अगर मेरा एक्स जीरो से बड़ा है तो उसका वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ के ऊपर, है ना, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जीरो से बड़ा या बराबर होगा। और मेरा एफ ऑफ एक्स बच्चों है क्या, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना, और एफ ऑफ जीरो आप निकाल कर देखें, यहां पर आप, है ना, क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सही है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी, तो उधर जाएगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, सही है। तो ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन लिखें, ठीक है, अच्छा, और आप ये देखें, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आईआईटी 2000 में आ चुका है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ओके, तो अभी पहला ऑप्शन क्या है, विच इज ट्रू। ओके, विच इज ट्रू, कौन सी इनक्वालिटी सही है, तो आप लिख लें e की पावर x लेस देन 1 प्लस x, सही है, log e 1 प्लस x, मतलब ln 1 प्लस x भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, sin x बड़ा है x से, सही है, एंड ऑप्शन डी इज log x टू बेस e लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन x है, ग्रेटर देन x। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन, ओके, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी 2000 के अंदर, ठीक है, तो भी आप किस तरह प्रूव कर पाएंगे, भी पहले आप ये देखें, ठीक है, आप इस बात पर ध्यान दें, देखो आप सभी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप, है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं तो इसमें हर्जी क्या है आपको, ठीक है, आप थोड़ा टाइम तो बचा ही सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली ग्राफ से देख पा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन किससे ग्रेटर है जीरो टू वन के अंदर, तो आप डायरेक्टली उसे काट सकते हैं। अब आप ये देखें, जैसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये रही, है ना, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार ये डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ है e की पावर x का, है ना, और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है, मतलब इनवर्स फंक्शन है। ओके बच्चों, एक मिनट यहां लिखता हूं, बच्चों इसका जो इनवर्स फंक्शन है ना, वो कैसा होगा, वो होगा ln x। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, 0 1। ओके,
तो घूमकर पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 पर, है ना, क्योंकि e की पावर x एंड log x टू द बेस e आर इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस सही है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, सही है, तो log x क्या ये बड़ा है x से, नहीं ये नीचे है, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल गलत है, सही, बिल्कुल गलत है। और बच्चों इसके बाद चलो मैं सिर्फ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, छोटे मोटे ग्राफ की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कि देखो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ले रही है ना, ये ग्राफ है बच्चों साइन एक्स का, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो x का ग्राफ ऊपर है भाई साइन एक्स से, आप देखें, ठीक है, फोर एक्स बिलोंग टू 0 to 1, ओके, तो आप साफ देख पा रहे हैं, तो ये आपका आंसर भी बच्चों क्या है, एकदम गलत है ना। तो अब टक्कर किसमें बचती है बच्चों, ए और बी में, सही है, अगर इसको भी आप है ना देख पाएंगे बच्चों, तो चलो ठीक है, आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, ये है, एक मिनट थोड़ा सा और मैं बेटर ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसका, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ग्राफ, ठीक है, तो क्या करेंगे आप पहले की तरह ही, ओके, ये है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, 0 माइनस 1, अगर x को 0 पुट करें, नहीं एक, अगर हम y को 0 पुट करें, है ना, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, ये पॉइंट है बच्चों -1, 0, ठीक है, अगर x को -1 पुट करें y 0, ये पॉइंट कौन सा है 0, 1, ठीक है बच्चों, ये मेरा, ठीक है, ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, ओके, और अगर आप e की पावर x, ओके बच्चों, e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको बच्चों, वो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसे यहां पर छूकर इसे ऊपर निकल जाएगा, सही है, e की पावर x का ग्राफ, सही है बच्चों, तो आप देख पाएंगे ना कि 0 से 1 तक ऊपर कौन है, e की पावर x बड़ा है x प्लस 1 से, 4 x बिलोंग्स टू 0 to 1, सही है, तो ये मेरा ऑप्शन भी क्या है बच्चों, एकदम गलत। अब बचा कौन सा, ओब्वियसली, सही है, और बच्चों अगर फिर भी आप चाहें तो यही टेस्ट दोबारा लगा लें जो मैं कर रहा हूं आज, सही है, चलो ये देखो आपके लिए मैं दिखाता हूं करके, सही है, मैंने कंसीडर कर लिया, अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, 0 से 1 के बीच में, सही है बच्चों, तो 1 - 1 - x / 1 + x कट गया, -x/1 + x <0, 4, x belongs to 0 to 1, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, दिस इंप्लाइज दैट f इज, सही बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों ये, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, तो 4 x belongs to 0 to 1, सही है, या इन कह दें, ओके, तो क्या होगा, अगर x मेरा 0 से बड़ा है तो क्या होगा, f ऑफ x उल्टा होगा, f ऑफ 0 से छोटा होगा, सही है, और अगर यहां पर आप f ऑफ 0 निकाल लेंगे, अगर आप f ऑफ 0 निकालते तो कितना आएगा बच्चों, है ना, log 1 क्या बन जाएगा, 0, तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया, है ना, एफ एक्स क्या है, log e 1 प्लस एक्स, ओके, माइनस एक्स लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट log बेस में e 1 प्लस एक्स लेस देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, सही है बच्चों, तो ये मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो वैसे तो आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, चौथा अपने आप ठीक हो गया, सही है, नहीं तो सेपरेटली प्रूव करें। चलो भाई इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं और, ओके, शो दैट x बाय 1 प्लस एक्स लेस देन लोग 1 प्लस एक्स, बस ध्यान रखें जहां बेस नहीं गिवन है वो बेस कह लेंगे हम e लेंगे, ओके बच्चों, लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, हमें इसे प्रूव करना है बच्चों। तरीका क्या है प्रूव करने का, पहले हम इतने पार्ट को प्रूव करेंगे, है ना, और फिर हम बच्चों इतने पार्ट को प्रूव करेंगे, सही है, तो चलो एक पार्ट मैं प्रूव करता हूँ, एक पार्ट आप खुद ट्राई करना है ना, कंसिडर, मैं बच्चों कंसिडर कर रहा हूँ x बाय 1 प्लस एक्स माइनस एल एन या फिर log बेस में e, log ऑफ 1 प्लस एक्स बेस में e, है ना,
इसे आप वन बोल दें। पहले मैं हाफ पार्ट प्रूव करूंगा और अगला हाफ आप ट्राई करेंगे। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? कोशेंट रूल है ना। तो नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि वन, माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव वन, बाय में नीचे वाले का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये बन गया सही है भाई। एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बन गया बच्चों? वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो क्या बन जाएगा भाई? एक मिनट, ऊपर तो वन ही बचेगा, वन माइनस एक्स, सही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या आ गया, मेरा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ गया? माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, लेस देन जीरो, सही है बच्चों। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करें है ना, तो एफ डैश क्या बनेगा बच्चों? उसके लिए नेगेटिव बन जाएगा इससे, सही है, क्योंकि एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस है तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव, है ना। तो क्या क्या बन गया बच्चों? ये दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके सर। बच्चों क्या बन गया? डिक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो टू इनफाइनाइट, सही है। इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा x क्या है? जीरो से बड़ा है, तो फिर x के ऊपर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो f ऑफ जीरो से छोटी आएगी, सही है। और आप देख लें कि आपने एफ एक्स क्या लिया था, x माइनस नहीं आपने ये लिया था, आप दोबारा देख लें बार, ठीक है, स्क्रोल कर लें, x बाय वन प्लस एक्स माइनस लोग ई वन प्लस एक्स, सही है बच्चों। और अगर आप f ऑफ जीरो निकालते हैं, आप एक बार चेक कर लें, सही है बच्चों। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप f ऑफ जीरो निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? जीरो बाय समथिंग जीरो हो गया, और लोग लोग वन क्या बन गया बच्चों? जीरो, है ना। तो जवाब क्या आएगा? जीरो, लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बाय वन प्लस एक्स लेस देन लोग ई वन प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। बी ट्राई सेकेंड पार्ट, ओके, ट्राई इट सेकेंड पार्ट, आप खुद ट्राई करें, ओके okay? अच्छा चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि काफ़ी ठीक है, जितने क्वेश्चन करें अब तक सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट e की पावर पाई ग्रेटर देन पाई की पावर e, है ना। e की पावर पाई करें और पाई की पावर e करें तो उसमें बड़ा क्या होगा, ओके। तो बच्चों पहले आप ये देखें, समझ लें आप, e का वैल्यू कितना होता है? e वैसे ही होता है वन बाई वन फैक्टोरियल, वन बाय टू फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, सही है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.7183 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। और यदि आप पाई देखेंगे तो क्या होता है पाई? 3.14 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो बच्चों ये है वैल्यू ई का, सही है, और ये वैल्यू है पाई का। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि जब पाई है वो बड़ा है ई से, क्या है बच्चों? जब पाई है वो बड़ा है ई से, है ना। तो ये तो बात सही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा एक काम करना, देखो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा फंक्शन लेना है ना, आप एक काम करें, पाई की पावर में ले ई, है ना, पाई की पावर में ले ई। अच्छा लेट आप एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम, आप एज्यूम कर लें पाई की पावर ई ग्रेटर देन ई की पावर पाई। मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू बड़ी है, मैंने तो वैसे ही जस्ट वैसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? e log पाई टू दी बेस e ग्रेटर देन, है ना, पाई log e टू दी बेस e, ओके बच्चों ध्यान रखना, ओके। ये क्या बन जाएगा बच्चों? एक मिनट, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जैसे log e बाई में e, है ना, ओके बच्चों इधर क्या है? log पाई बाय पाई, है ना, देखो, ओके। तो आपकी इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार है ना, मतलब इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, सही है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया ln x by x, मतलब log x by में x, है ना, log x to the base e, ओके। मैंने इस प्रकार का फंक्शन डिफाइन किया, इसको देखकर ओके कंसीडर, लिख लो बच्चों आप इसे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है ना, बाय में क्या है बच्चों एक्स है ना, और ऐसे कह सकते हैं एल एन एक्स बाय में एक्स, ओके एल एन एक्स मतलब वो लोग जिसका बेस क्या है ए, सही है। तो बच्चों एफ डैश एक्स हमेशा की तरह है, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन टूल है ना, नीचे वाला इनटू में और ऊपर वाला डेरिवेटिव वन बाय एक्स माइनस ऊपर वाला इनटू में नीचे वाले डेरिवेटिव वन बाय में नीचे वाले का स्क्वायर है ना, तो गया अभी इससे वन माइनस एल एन एक्स बाय में एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों। अब आप ये देखें, अगर आपने ग्राफ याद कर रखे हैं तो बच्चों ये मेरा ग्राफ था एल एन एक्स का है ना, ये ग्राफ था मेरा, किसका ग्राफ है बच्चों एल एन एक्स मतलब वो लॉग एक्स जिसका बेस क्या है ई, ये कौन सा पॉइंट है वन कोमा जीरो, सही है बच्चों। अगर मैं यहां पर ई पॉइंट पुट करता हूं है ना, तो ग्राफ पर ई के ऊपर वैल्यू क्या आएगा बच्चों वन है ना, वैल्यू क्या आएगा वन, ओके बच्चों। और ई से पीछे है ना बच्चों जीरो से लेकर ई तक, सही है बच्चों, आप देख पा रहे हैं जीरो से लेकर ई तक ये फंक्शन कैसा है बच्चों, मतलब जो ये वैल्यू बनेगी ना वन माइनस एल एन एक्स बाई में एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी, ओके जीरो से लेकर ई तक। और जैसे ही मैंने क्या किया बच्चों, एक मिनट, ये वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, ये सॉरी पॉजिटिव बन जाएगी है ना, पॉजिटिव बन जाएगी। आप देखिए अगर मेरा एक्स जीरो से ई के बीच में है ना, तो बच्चों जो एल एन एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा वन से, ठीक है। इफ अगर जो मेरा एक्स है बच्चों, अगर है ना जो मेरा एक्स है वो क्या होगा, बड़ा होगा ई से, सही है। तो फिर वन माइनस एल एन एक्स क्या आएगा बच्चों, ओके ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ओके। तो देखो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं ना, ऐसे में क्या होगा बच्चों, एल एन एक्स का वैल्यू एक से बड़ा हो जाएगा, सही है। या ये कह सकते हैं कि एल एन एक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों, एक से बड़ा होगा, सही है। चलिए तो दिस इंप्लाइज दैट फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों मेरा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन, ओके ए टू इनफाइनाइट, क्या बच्चों बात सही है ना। और अब आप ध्यान दें भाई, इसका मतलब क्या है, अगर x बड़ा है e से तो f ऑफ x है ना बच्चों, f ऑफ x क्या होगा, ये छोटा होगा f ऑफ e से, है ना। आप देख लें कि आपने एफ एक्स क्या डिफाइन किया था, एल एन एक्स बाई में x, सही है, तो एल एन एक्स बाई में x, सही है बच्चों। अच्छा f ऑफ e, ओके बच्चों f ऑफ e क्या होगा बच्चों आपका, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहां से अगर मैं देख सकता हूँ है ना डायरेक्टली, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, सही है। अब आप देख सकते हैं फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट है ना। अच्छा यहां सिंस लिखे पहले, सिन अरे सिंस बच्चों जो मेरा पाई था वो बड़ा है ई से, है ना, ई तो क्या है 2.7183 और पाई क्या है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो एफ ऑफ पाई क्या होगा बच्चों, इसे छोटा होगा है ना, क्योंकि फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बड़े पॉइंट पर छोटा वैल्यू, छोटे पॉइंट पर बड़ा वैल्यू, ओके। तो आप निकालें क्या बन जाएगा, एल एन पाई बाय पाई लेस देन एल एन ई बाय में ई, सही है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में बात आ रही होगी, ओके। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस ई को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई एल एन पाई पाई एल एन ई है ना। तो अब क्या करेंगे आप, इसको है ना पावर को बैक यहां पर लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको याद आएगा ना कि एल एन एक्स की पावर ए है ना, क्या बन जाएगा ए एल एन एक्स है ना, इफ एक्स इज पॉजिटिव, चलो सही है, यानी कि एल एन पाई की पावर ई है ना लेस देन एल एन ई की पावर पाई, ओके। अब देखो क्योंकि जो एल एन एक्स है ना वो लोग है जिसका बेस क्या है बच्चों ई से बड़ा है, सॉरी बेस क्या है वन से बड़ा है ना, बेस ई है इसका, इसका बेस क्या है बच्चों वन से बड़ा है, सही। तो क्या होगा पाई की पावर ई लेस देन ई की पावर पाई, ओके बच्चों क्या बन गया ये पाई की पावर ई, ओके बच्चों लेस देन ई की पावर पाई एंड हैंस प्रूव, ओके बच्चों।
तो ठीक है बच्चों, आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं आप वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ कर प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।